भाई फंदर पैसे जरा जल्दी भेज देना, सुबह सुबह बौनी का टाइम है। मेहरबानी। जज्बाती टमाटर ले, फ्रेश गोभी ले, मेरी बात तो सुनिए, 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 मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई सब्जी नहीं खरीदनी भाई, मुझे मालूम करना है यहाँ जो 3 रोज पहले कत्ल हुए उनका घर। देखिए मैंने आपसे। ओहो बीबी जी, हम तो सिर्फ सब्जियां बेचते हैं, हमें क्या पता किसने कत्ल किया, कौन कत्ल हुआ। चलो सब्जी को तरंका लगा। अच्छा उस्ताद जी, तुम्हारे सामने आते नंबर कम थे और तुम्हें। अरे 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 क्या हो गया आपको, नजर नहीं आ रहे, कहां गुम हैं आप? अगर टकरा जाती तो ये लीजिए। थैंक यू। ऐसे ही आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। अरे मुनि जा घर से पानी ले आ। सुनिए आपको कोई परेशानी है? हाँ, यहाँ इस मोहल्ले में मेरी बहन भेनोई और बच्चों को कत्ल कर दिया गया, और देखिए यहाँ कोई बता ही नहीं रहा उनका घर कहाँ है, वो कहाँ रहते थे। पानी पीजिए, पीजिए ना पानी। जिसके बारे में आप पूछ रही हैं उसके मुताबिक कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए कि ये सब डरते हैं सरकार से। हाँ, वही आदमी जिसने आपके बहनोई बहन और बच्चों को कत्ल किया। आई मैं दिखाता हूं कौन सा घर है। आफरीन, क्लास घर पे दे आओ। आइए। अरे बच के आइए, वो सामने वो हरा दरवाजा है, वो रहा आपकी बहन का घर। थैंक यू। कोई बात नहीं। पीछे देख रहा है। अरे कमाल यार, जिंदगी में पहली बार एक भोली भाली और खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जवान हो गया है। अरे अगर मुंशी साहब को इस बात का पता चल गया ना। अरे नहीं यार नहीं, तो वो बहुत जूते मारेंगे। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, लड़की पसंद आ गई है। Thank you.
और एक्सक्यूज मी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? बैठिए। फरमाइए। मोहल्ला चिरागा कटरी अल्लाह बख्श, कुछ रोज पहले वहां चार कत्ल हुए। जी हुए थे, आप कौन? मैं कत्ल होने वालों की बहन हूँ और जानने आई हूँ कि पुलिस ने इस केस के बारे में क्या किया और क्या कर रही है। माफी चाहते हैं बीबी, इस बारे में फाइल हम बंद कर चुके हैं क्योंकि इस केस में ना कोई मुदई है और ना कोई गवाह। आप रिपोर्ट लिखिए, मुदई मैं हूँ और गवाह मैं ढूंढ लूंगी। मुदई का नाम? आफरीन, आफरीन खान। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ माल पहुँच गया? हाँ ठीक है, एक मिनट। क्यों सेठ, तुमने महीना नहीं पहुँचाया? महीना खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। हम आ गए, समझ लो महीना पूरा हो गया। आप दफ्तर में बैठे, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। पता नहीं इस गुंडा टैक्स से कब जान छूटेगी। सेठ साहब आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? पुलिस में क्या रिपोर्ट करवाएं? ये हमसे लेते हैं, पुलिस वाले इनसे लेते हैं। तुम कैसे आए हवालदार? कैसे? आप आइए मेरी बात सुनिए। क्या नाम बताया? आफरीन। आफरीन कौन है तू? आप लोग अंदर कैसे हैं? किसकी इजाजत से? आफरीन तेरा नाम है? तेरा? हाँ है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या समझती है? तुमने सरकार के खिलाफ जो पर्चा करवाया, खारिज करो जाकर। तुम कौन हो? मैं सरकार का भाई, सरकार के काम तक अभी ये बात नहीं पहुंची। तो पहुंचा देना और उसे बोलना मैं इंतजार कर रही हूं उसका। पर्चा खारिज नहीं होगा। आराम दादी, तू तो चीज ही कोई नहीं है। उसने एक मिनट में एक एक बार से 4 लाख से ढेर की थी। वहां उन्हीं लाशों का तो हिसाब लेना है मुझे। बकवास करती है। माँ है? नहीं। बहन? नहीं। इसीलिए औरत की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें? करूंगा, तेरी भी इज्जत करूंगा, पूरा मोहल्ला देखेगा। मगर पर्चा खारिज करवाने पर इकरार कर या इनकार, याद रखना मैं सरकारा का भाई जात है। और तुम भी याद रखना, मैं कत्ल होने वालों की बहन। ये
जाओ भाई जाओ, चलो जाओ बुजुर्गो, जाओ जाओ। अरे तुम लोगों को सिवाय तमाशा देखने के कोई और काम नहीं है, जाओ चलो जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, चलो फारिग लोग, जाओ जाओ जाओ, चलो। क्यों आए थे ये लोग और क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बदमाशी दिखा रहे थे, इनको इनकी बदमाशी ना भुला दी तो आफरीन नाम नहीं मेरा। आफरीन? तुम्हारा नाम आफरीन है? मेरी बेटी का नाम भी आफरीन है, बीए में पढ़ रही है। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ इस घर में कैसे? जी जहांगीर साहब मेरे भैनोई थे, जब उनका कराची से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो मैं कराची हॉस्टल में थी, इसीलिए उनके कत्ल होने की इत्तला मुझ तक ना पहुंच सकी। तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी आप अकेली हूँ। कब आई हो? आज ही। अच्छा, कुछ खाया भी है? जी नहीं, भूख नहीं। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ आओ, मैं वहां सामने रहता हूँ, वो मेरा घर है, मैं वहां तुम्हें अपनी बीवी बेटी बेटे सबसे मिलवाऊंगा। आओ। मैं खोलती हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी है, तुम्हारी हम नाम। बेटी ये भी आफरीन है। मैं मिली हूँ बाबा, आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। आओ बेटी आओ। ये है मेरा बेटा सलमान, इसे हम प्यार से सिल्लू कहते हैं, मेरे ख्वाबों की ताबीर, लापड़ा है। और बेटे ये है, मैं इनसे मिल चुका हूँ बाबा। तुम भी मिल चुके हो? अच्छा माँ कहाँ है तेरी? माँ ऊपर सो रही है। हर वक्त सोती रहती है। अरे भाई कहाँ हो बेगम, हर वक्त सोती रहती हो, कुछ पता भी है घर में कौन आया कौन गया? हाँ हाँ मालूम है मुझे, आप आ गए हैं घर में। देखो तो मेरे साथ कौन आया है। कौन है ये? ये है मेरी दूसरी बेटी आफरीन। आफरीन? हाँ भाई ये भी आफरीन है। वो नहीं थे वो जहांगीर साहब और उनकी बेगम जो वो ऊपर वाली सामने मंजिल में आकर ठहरे थे? हाँ, वो बेचारे कत्ल हो गए थे जो। ये उनकी बहन है। जहांगीर की बहन? जी वो मेरे भैनोई थे। बेचारे बेगुनाही। खैर तुम आओ बेटी, आओ बैठो बेटी। आपने देखा वो कैसे कत्ल हुए? आप जानती हैं उनका कसूर क्या था? उनका कसूर? हाँ जानती हूँ, मैंने देखा उस रात। कोई बाहर ना निकले, किसी की आंख ना देखे और किसी को हम ना देखें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे,
सरकारा की और रह रही हो सरकारा के खर्चे पर और खाब देखती हो एक मामूली लौड़े के साथ भाग कर शादी करने के। हाँ बाबा हकीकत बनेगा सरकारा, नहीं जीना मुझे तेरी रिखेल बनकर, मुझे अपनी इज्जत की जिंदगी गुजारना है। इश्क ने तुम्हारे अंदर बहुत आग भर दी है, जो तुम मुंह से उगल रही है। पेट्रोल डालो तुझ पर, जरा और भड़क उठेगी। फिक्र करो। नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, हमें माफ कर दो, हम इस मोहल्ले में नए नए आए हैं, यहाँ किस तरह रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना हमें मालूम नहीं था, हमें माफ कर दो। चलो ना, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करो। लाए सजा जाने दे सर, आज इसने सरकारा को जान लिया है, अगर कल ना माने तो इसे बीवी बच्चों समेत उड़ा देना। गुआ है? नहीं जी। तो फिर जाओ अपने अपने घर, चलो जाओ। हवलदार। यस सर। सारे मोहल्ले से पूछ चुका हूं, कोई गवाह नहीं, कोई यानी शायद नहीं, लिहाजा ये फाइल क्लोज करो। ठहरिए। ठहरिए। हाँ भाई, तुम कौन हो? मैं हूं एनी शाहिद, मैंने देखा है, मैं हूं गवाह, लिखिए मेरा बयान।
तशरीफ रखिए। बयान से मुकरोगे तो नहीं? जी नहीं। गवाह का नाम? जहांगीर अली। पहली बार मुआफ इसलिए कर दिया था कि तुम हमत नहीं थे, दूसरी बार मुआफ इसलिए नहीं करेंगे कि अब तुम हमें जानते हो। जो बात करना है मुझसे करो, मेरे बीवी बच्चों को गन पॉइंट पर रखने का कोई जवाब नहीं। जवाब है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है सरकार उसकी नस्ल भी खत्म कर देता है। नहीं जहांगीर, तुम इन लोगों से माफी मांग लो क्योंकि तुम इन लोगों के खिलाफ गवाही नहीं दोगे, वरना ये लोग तुम्हारे बच्चों को भी मार डालेंगे। कैसे मार देंगे और क्यों मार देंगे? किसकी जरूरत है कि मेरे बच्चों को मारे? ए भाई, ए भाई लोगो, भाई साहब, ए भाई साहब, अरे आप लोग खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं? अरे कोई जाए, जाए जाके पुलिस को इत्तला दे। अरे देख नहीं रहे? अरे तुम लोग देख नहीं रहे? तुम लोगों के सामने क्या 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 जुल्म हो रहा है? ये जुल्म होगा, तेरे साथ होगा, तेरे बच्चों के साथ होगा। ऐसा ही होगा। हाँ, ये सब देखेंगे, लेकिन यहां से जाएगा कोई नहीं, इसलिए कि यह जुल्म सरकार करने वाला है। आज तक सरकार के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। अरे नहीं दी तो उनका जमीर मर चुका होगा, मगर मेरा जमीर अभी जिंदा है, मैं दूंगा गवाही। हाँ हाँ, मैं दूंगा गवाही। जिंदा रहेगा तो गवाही देगा ना। मार, मारता क्यों नहीं? अबे मारना, मार। Ah!
हेलो शोरूम भाई, दो नई गाड़ियां हैं, हैं आमने सामने खड़ी करके ठा करके मार दो। हाँ मार दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वालेकुम अस्सलाम। न्याजी, ये बेन्याजी, और क्या हुआ इसको? ऐसा ही है, यहाँ भी, क्लास में भी और कॉलेज में भी। वो कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो गया? आ, है ना वही बात। हाँ यही बात है। ओए, तुमने मुझे बताया ही नहीं कौन है वो। बताओ ना कौन है वो। एक लड़की भोले भाले से शर्मीली आंखों वाले से, भोले भाले सी शर्मीली आंखों वाले सी, एक लड़की भोले भाले सी शर्मीली आंखों वाले सी। मेरे दिल पे चला गई छुरिया, ओ मेरे दिल पे चला गई छुरिया, ओ इश्क दिया छोटा बुरिया, हाय इश्क दिया छोटा बुरिया। एक लड़की भोले भाले से शर्मीली आंखों वाले से, मेरे दिल पे चला गई छुरिया, ओ मेरे दिल पे चला गई छुरिया, ओ इश्क दिया छोटा बुरिया, हाय इश्क दिया छोटा बुरिया। सहरा में वो पानी जैसी है, अंदाज है सारे ही मस्ताना, मैं कैसे न होता दीवाना। किसी खिले गुलाब की डाली सी शर्मीले आंखों वाली सी, मेरे दिल पे चला गई छुरिया, ओ मेरे दिल पे चला गई छुरिया, ओ इश्क दिया छोटा बुरिया, है इश्क दिया छोटा बुरिया। इश्क दिया छोटा बुरिया, अरे इश्क दिया छोटा बुरिया।
जब उसकी निगाहों ने मुझको छुआ महसूस ये पहली बार हुआ कोई सूरत दिल में उतरी है कोई खुशबू सांसों में बिखरी है होठों पे शफ़क की लाली सी शर्मीली आंखों वाले सी मेरे दिल पे चला गई छुरिया ओ मेरे दिल पे चला गई छुरिया ओ इश्क दिया छोटा बुरिया हर दिया छोटा बुरिया एक लड़की भोले वाले से शर्मीली आंखों वाली सी मेरे दिल पे चला गई छुरिया ओ मेरे दिल पे चला गई छुरिया इश्क दिया छोटा बुरिया इश्क दिया छोटा बुरिया वालेकुम अस्सलाम नाश्ता लाए हैं हम तुम्हारे लिए आपने ये तकलीफ क्यों की तकलीफ कैसी बेटी आई दरअसल हम नाश्ता बाहर क्यों खड़ा है अंदर आओ हम नाश्ता कर रहे थे सब मिलकर तो मुझे अचानक दूसरी बेटी का ख्याल आ गया नाश्ता उठाया दूसरी बेटी के पास आ गए रख दो ना बैठो बेटी बैठो अरे ये क्या तुम तो रोने लगी जी ऐसे ही थैंक यू बेटी तुम इतनी बहादुर होकर रोती हो जुल्म इंसान को सख्त जान बना देता है अंकल जरा सा दिलासा जरा सी हमदर्दी और जरा सा प्यार इंसान के अंदर गिरने वाले आंसुओं को भी आंखों से बाहर उछाल फेंकता है अच्छा तुम ये बताओ तुमने पुलिस में तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और जाहिर है ये बात अदालत तक भी जाएगी तो क्या तुमने इसके लिए कोई वकील किया है नहीं अभी नहीं जिस वकील का मैं मुंशी हूं इस शहर का बहुत बड़ा वकील है बहुत अच्छा वकील है इंसान भी बहुत अच्छा है क्या मैं उससे बात करूं इस सिलसिले में जी जरूर कीजिए लेकिन मैं फीस ज्यादा नहीं दे पाऊंगी अरे तुमसे फीस कौन मांगता है तुम क्यों दोगी फीस मैं हूं ना बस दुआ करो सरकारा गिरफ्तार हो जाए सरकारा कैसे गिरफ्तार होगा बाबा पुलिस उसके साथ है और वो जो इलाके का इंस्पेक्टर है ना वो उसका दोस्त है आप ये सब कैसे जानते हैं कहां से मिलती हैं ये खबरें आपको इसका मतलब है कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं इन बातों में है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ये हरगिज पसंद नहीं कि आपका जहन इधर उधर भटकता रहे अपनी किताबों में लाओ सॉरी बाबा देख लेंगे उस इंस्पेक्टर को भी आखिर उसका एहतसाब करने वाला कानून भी है कानून हवलदार
खान साहब। सरकारा के मुतालिक आखिरी खबर, वो मुल्क से बाहर है सर। आने की इतला कोई नहीं है सर। मुखबर की इतला जल्द आने वाला है। सरकारा जैसे ही पाकिस्तान आए उसे गिरफ्तार कर लो। जी अरेस्ट हिम। सरकारा भाई वेलकम। कैसे हो? जीते रहो जीते रहो। हाँ आओ। ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड। कौन हो तुम? ओह इंग्लिश प्रॉब्लम। इंस्पेक्टर आजम, आजम खान। अच्छा क्या चाहते हो? अरे शेम बहुत गलती की है इंस्पेक्टर। कहां जाना है? वहां जहां जाने से आज तक पछते रहे हो। ले चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। थैंक यू। मेरा नाम आजम है, आजम खान। अभी दो रोज पहले ही मेरी इस इलाके में ट्रांसफर हुई है। आपने ही सरकारा को गिरफ्तार किया है ना? आपका तारुफ आपसे पहले पहुंच चुका है यहाँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए आम तासुर यह है कि पुलिस सरकारा की दोस्त है, उसके प्रेशर में है, या आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मैं ये तासुर खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक किसी ने भी सरकारा के खिलाफ गवाही नहीं दी, और अगर किसी ने देना भी चाहिए तो उसे मार दिया गया। यह पहली रिपोर्ट है जो सरकारा के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड है, जिस पर कार्रवाई करके पुलिस सरकारा को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती है। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आपको मजबूत कदम रहना होगा। किसी भी मकाम पे या किसी अदालत में आपने अगर अपना बयान बदल दिया तो उस शैतान की जिंदगी की रस्सी और दराज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। अब रस्सी दराज नहीं होगी, रस्सी फांसी का फंदा बनेगी सरकारा के लिए। हो गया, पहली पेशी पर जमानत हो जाएगी। अखबार में खबरें नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगेंगी। सुलफिलाए? हाँ। किसने इजाजत दी इसको सरकारा से मिलने की? आराम से बात करो इंस्पेक्टर, आराम से। शट अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर ध्यान से, ये मेरा भाई है। तेरा बाप भी होता ना सरकारा तो उसके साथ भी यही सलूक करता मैं।
दिमाग ठंडा और आवाज धीमी रखो इंस्पेक्टर, मैं हवालात में थोड़ी देर और हवालात से बाहर ज्यादा देर, और जब शेर बाहर होता है तो उसका इलाज भी है मेरे पास, क्योंकि मैं तुम जैसे शेरों को गोली से नहीं मारता, जूतों से मारता हूं, जूतों से। बाहर चलो। इसे घसीटते हुए बाहर ले जाओ, और अगर आइंदा आइंदा कोई भी इसको मिलने आए तो उसे भी बंद कर दो। मुंशी साहब, अच्छे रिश्ते कहां रहे हैं शहर में, हर तरफ धोखा है, बेईमानी है, चीटिंग है, रिश्ता होने से पहले कुछ होते हैं, बताया कुछ जाता है, और शादी हो जाने के बाद कैसे कैसे भेद खुलते हैं कि इंसान आसमान से जमीन पर आ गिरता है और उस इंसान के वजन से जमीन फट जाती है। हाँ जी, फट जा। बहरहाल जो कुछ भी हो पहले तय हो जाना चाहिए। अल्लाह आपका भला करे। मुंशी साहब, मैंने आपकी शराफत देखी है, आपकी बेटी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, एक खूबसूरत सा फर्नीचर और दिल बहलाने के लिए टीवी, वीसीआर, अगर डिश हो जाए तो दोनों बच्चे बहुत खुश रहेंगे, खुश रहेंगे दोनों। ये तो हो गया आपकी बेटी के लिए। मैं जहेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि मेरे बेटे के लिए क्या होगा। चले वो ज्यादा कम से कम कोई अच्छी गाड़ी ना सही तो कोई कोई छोटा मोटा सा मोटरसाइकिल ही दिलवा दीजिएगा। उठो क्या उधर है, ये कौन है भाई साहब, ये कौन है? मेरे बेटे हैं। बेटे हैं? ये तो बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। आपकी इज्जत कर रहे हैं है? देखिए भाई साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। तुम इस काबिल हो कि तुमसे तमीज से बात की जाए? हराम खा खा कर भैंसा बन गए हो। देखिए मुंशी साहब, आपके सामने मुझे भैंसा कहा जा रहा है? छोटी चीज का नाम ले रहे हैं आपके सामने है? चलो 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 तुम यहां से। अबे मैं बात कर रहा हूं सर, भैंसे के बच्चे। बस करो, भैंसे के बच्चे हो बेटे। अरे बस करो, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, मैं बहरा नहीं हूं, बात कर रहा हूं मैं। क्या बात करेंगे आप, क्या बात करेंगे इससे आप? ये इस काबिल है कि इससे बात की जाए? ये वो लोग हैं जो बेटा ब्याहते नहीं, बेटा बेचते। ये देखिए ये मुंशी साहब, जाओ ये देखो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या? मैं कहता हूं मुंशी साहब, आपको ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, आप पछताएंगे। अरे पछता लेंगे, हम गरीब हैं, इतना कुछ नहीं दे सकते। जाओ जाओ निकल, तुम इस मामले में जाना। आओ बेटी आओ। आज तुम कानून की जिस जंग को शुरू करने जा रही हो सरकारा के साथ, उस जंग में मैं तुम्हारा साथी हूं। इस मोहल्ले में जो कुछ हुआ, जिसके साथ हुआ, मैं नहीं बोला, लेकिन तुम और तुम्हारी बेकसी को देखकर मैं भी मजबूर हो गया हूं कि तुम्हारा साथ दूं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं, तुम दूसरी बेटी हो मेरी। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। और सुनो, आज अदालत में सरकारा से तुम्हारा आमना सामना होगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, दिल बड़ा रखना है? कानून की ये जंग, वालेकुम सलाम, हमने जीतनी है। जिस दिन सरकारा के गले में फांसी का फंदा होगा, उसी दिन इंसाफ और शराफत का परचम हम लहराएंगे यहां इस मोहल्ले में सब मिलकर। लेकिन दिल मजबूत रखना बेटी है। भाई क्या बात है, तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पापा मैं भी चलूं आपके साथ कोर्ट। नहीं
कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाओ घर जाओ, जाके पढ़ो, चलो। और सुनो, तुम उस वक्त कोर्ट जाओगे जब तुम्हारे जिस्म पे काला कोट और जेब में वकालतनामा होगा, ठीक है? जाओ, आओ बेटी। कार्रवाई शुरू की जाए। सरकार खान उर्फ सरकारा वल्द सितार खान हाजिर हो। अदालत मुल्तम सरकार का उर्फ सरकारा की जमानत नामंजूर करते हुए दो दिन के रिमांड पर पुलिस की तहवील में देती है और अगली पेशी की तारीख 15 जनवरी मुकरर करती है। तुम हो सरकारा? बहुत बड़ा काम किया तुमने, सरकारा के हाथ में हथकड़ियां डलवाकर। इससे भी बड़ा काम करने वाली हूँ, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डलवाकर। सरकारा की गर्दन तो है, लेकिन अभी तक वो फंदा तो क्या, वो रस्सा भी नहीं बना जो सरकारा की गर्दन में आए। मैं बनाऊंगी वो रस्सा। ए, चलो। बड़ा काम करने वाली हूं, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डलवाकर। हर फिरौन के लिए खुदा एक मूसा जरूर पैदा करता है। बेटी तुम अगर ना आती तो शायद सरकारा के खिलाफ कोई आवाज ना उठाता। अरे बाहर शोर कैसा है देखो तो। अरे मुझे मुबारक हो, इतना चांद नजर आ गया है। अरे बाबा क्या हुआ, झगड़ा हो गया? आपकी सुनी गई, 29 रोजे हो गए, बाहर ईद के चांद का ऐलान हो रहा है। अरे ईद का ऐलान हुआ है तो क्या हुआ, हमने भी सुन लिया, पूरी दुनिया ने सुन लिया। बाबा बाबा बाबा,
ये क्या है? कभी तो संजीदा हुआ करो, आखिर तुम ला पढ़ रहे हो, कल को वकील बनना है, जज बनना है। चुप रहे ना। ऐसे ही बोल रहा हूँ, बैठो बैठो। आप तो फिर जानते रहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना पूछा है कि ईद की नमाज पढ़ने कहाँ जाना है। हाँ भाई, वो बादशाही मस्जिद पढ़ने के लिए जाएंगे, लो चाय पियो। उसके बाद यतीम खाने जाएंगे, वहाँ यतीमों में ईद बांटेंगे, फिर घर आएंगे। बाबा वो फातिमा वाले की तरफ जाना है? हाँ हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, फातिमा फाउंडेशन जाना बहुत जरूरी है। ये हम सब पर फर्ज आयद होता है कि जिसका कोई ना हो, जो गरीब हो यतीम हो, उनमें हम अपनी खुशियां बांटें। आफरीन बेटी, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे ख्याल आ गया था, अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मैं भी। ऐसे खुशी के मौके पर बिछड़ने वाले याद आ ही जाते हैं। सुनो, इसके लिए भी ऐसा ही जोड़ा बनाना जो अपनी आफरीन के लिए बनाया है। मैंने बना लिया है, आपके बताने की जरूरत नहीं। कुर्बान जाऊं आपकी जहानत पर, इसीलिए तो आपसे शादी की थी। शुक्रिया। घर पे कोई है? घर वाले घर पे हैं? आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सल्लू ने मुझे बताया कि तुम उनके घर से रोती हुई भाग के आई हो। बहन भाई याद आ गए, बैठो बैठो। सुनो, वो जाने वाले वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन वो प्यार मुझसे मिल सकते हैं। हां, जिस तरह तुम्हारा इस दुनिया पे कोई नहीं, इसी तरह मेरा भी इस दुनिया पे कोई नहीं। मैं तुम्हें बहन बना के दे देता हूं और तुम मुझे भाई बना के दे दो। हां ठीक है ना, ये लो। सॉरी। आज रोले जितना रोना है, कल तेरी आंख में आंसू ना हो, कल ईद है।
बच्चियां सुन के मेरी बातें तू फेर ना किया हो देखे गली में कभी आ सोने यहां आके फिर ना कहीं जा सोने यहां आके फिर ना कहीं जा सोने चाहिए नहीं अगर फिल्म के एंड पे गोली न चलती तो मैं सोया रहता बिल्कुल सलाम अम्मा सलाम बाबा अस्सलाम वालेकुम मम्मी अस्सलाम वालेकुम अब्बू आप बड़े परेशान हैं खैरियत तो है हाँ बाबा बाकी आप कुछ परेशान लग रहे सरकार की जमानत हो गई है ऊपर से परेशानी यह है कि ईद की छुट्टियां चल रही हैं हम कुछ कर भी नहीं सकते बेटी तुम दो चार दिनों के लिए कहीं चली जाओ छुप जाओ वो बहुत बेरहम आदमी है कहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा खाला चांद अगर उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला ही भाग गया फिर तो जीत जालिम की हो जाएगी लेकिन बेटे बेटे एहतियात जरूरी है मैं यहां आप लोगों का इंतजार कर रहा था अब मैं जाता हूं पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब से बात करने सलामकुम खान सर कैसे हैं मुंशी जी बस शुक्र अल्लाह का वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं वो तो छुट्टी पर हैं तीन रोज बाद आएंगे तीन रोज बाद सुने हा? सुना है सरकारा की जमानत हो गई है हो गई हो ही जानी थी अब तो वो बदबخت पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा
ले आओ उसे। चलो निकलो, भागो यहां से। चलो चलो यहां से, चलो चलो। बदमाश भेड़िया जानवर रह गया था तो उसको भी साथ लिया था मुझे मारने के लिए। मैंने कहा था ना अदालत में आ जाऊंगा, फिर तुझे भी जाना होगा। तू भेजेगा तो क्या भेजेगा मुझे? तलवार कहां है तेरी? तलवार से मारता है ना? कहां है? नहीं है। ये 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 बंदूक पकड़, ये बंदूक पकड़, पकड़ ये बंदूक, चलाओ गोली, चलाओ। अगर जिंदगी के दिन ऊपर वाले ने और लिखे हैं, तो तेरे 10 पाप और भी आ जाए तो एक सांस भी नहीं टूटेगा मेरा। बोल, जी भर के बोल। अभी हमेशा के लिए चुप हो जाना तुम्हें। तो फिर देर क्यों कर रहा है कुत्ते हरामी? ए, बोल दे। मैं तो बोलती रहूंगी, तू भी तो मार मुझे, मार मुझे, कर कोशिश। आज देखना है मुझे खुदा तू है या वो है जो आसमानों पर बैठा है। मारता क्यों नहीं मुझे? तू मार मुझे, मार मुझे, मार, तू मार मुझे, चलाओ गोली, चलाओ। तू बड़ा बोलता है कबीरे, मार मुझे, मार मुझे, मार, मारना मुझे। तू क्यों नहीं मारता हरामी? मार मुझे। एक गोली तुम्हारी मौत नहीं, एक ही सांस खींच लूंगा तुम्हारे जिस्म से, और हर सांस के साथ इस महल्ले का हर फर्क खौफ से कांपेगा। फिर कोई सर नहीं उठाएगा सरकार के सामने, किसी को जरूरत नहीं होगी कोर्ट कचहरी तक जाने की। बस कर दे सरकार, बस कर दे, बहुत होगी, बस कर दे। कौन है ये? कौन है ये? भाई हूं इसका। इससे पहले मरेगा? हुँ? कोई भाई नहीं है मेरा, कोई नहीं मरेगा। जाओ भाई, जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं तेरा भाई हूँ। तू पागल हो गया, मरेगा मुफ्त में, जा। पागल तो तू होगी जो भाई को पहचानने से इनकार कर रही है। ए भाई, ले जाओ इसे, ले जाओ। सुना तुमने? पागल हो गया, मुफ्त में मरेगा, ले जाओ। मेरी बहन कहती है इसका भाई नहीं है, मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। सुना तुमने? मैं अकेली हूँ, भाई हूँ इसका, और अपनी जान खुद लूंगी। वो कहती मैं भाई नहीं हूँ इसका। अब क्या सोच रहा है हरामजादे? शुरू क्यों नहीं करता अपना जुर्म? देखो, सब देखो, ये वही चुनती है जिसने मुंह में लाउड स्पीकर लगाकर सरकार को रोका है। आंखें खुली रखना, आंखें जमाए रखना इसके अंजाम पर। Oh, my God.
रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बाबा मुझे जाने देना, बाबा मुझे क्यों रोके? जाने देना, जाने दे। तूने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी, हरामजादी। अब पता चला मैं हूँ सरकार। जाग रहे हो? हाँ, जाग गया हूं। इस मोहल्ले में मुर्दा जमीरों के साथ जीने वालों में से एक जाग गया है। नहीं, पहली बार इसी ने सरकार का हाथ रोका, सरकार की आंख में आंख डाली। कोई बीच में नहीं आएगा। आने दे सरकार, इनको भी आने दे, आने दे। आज या तू रहेगा या मैं रहूंगा। Oh!
Thank you.
मुंशी साहब। आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं, मैं इसे अपने रिस्क पर छोड़ रहा हूं। रिपोर्ट मैंने तैयार कर ली है और इस हिसाब से भी मेरी बात हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। क्या आपके बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया, आप क्यों शर्मिंदा होते? अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद ऐसा कभी ना कर सकता। जी कमाल कर रहे हैं आप। आप तो इसे समझाएं कि ये आइंदा ऐसी लड़ाई ना लड़े। आप तो इसे शह दे रहे। ओके ओके मुंशी साहब, ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं लड़ेगा। आप इसे ले जा सकते। ठीक है, मैं इसे यहां रहने ही नहीं दूंगा। मुंशी साहब, जब तक सरकारा होश में नहीं आ जाता, उसके बयान नहीं हो जाते, आप इसे कहीं नहीं भेज सकते। अभी जिंदा है, मरने में थोड़ा ही वक्त है। इसे मरना नहीं चाहिए भाई। ये मर गया तो कानून ये नहीं कहेगा कि एक दरिंदा मर गया, वो इसे इंसान ही कहेंगे और सलमान को मुजरिम कहकर सजा दे देंगे। हालांकि जो काम सलमान ने किया है वो काम बहुत पहले कानून को करना चाहिए था। मैं तो यहां से जाते ही सलमान को गले से लगा लूंगा। वो है ही इसी काबिल। बिस्मिल्लाह पढ़ के मोहल्ले में दाखिल हो बेटे, आओ आराम से। आ गया हमारे मोहल्ले का पहलवान, आ गया मेरा बहू, आ गया। मैं सबके जाऊं, मैं बारी बारी जाऊं, मैं किसी किसे जाऊं, हाय मैं मर गई। तेरे मालिक, तेरा दोस्त आ गया, सिल्लू आ गया, अरे बार आ गया। सिल्लू भाई मुबारक हो तुम्हें, नहीं पहलवान मुबारक हो तुम्हें। चलो लम्बे कोशिश की तो
मैं उसके गले फोड़ जाऊंगा, गले फोड़ जाऊंगा। बदमाश बनाना चाहते हो तुम लोग मेरे बेटे को? आओ बेटे आओ, हट जाओ हट जाओ, रास्ता दो, चलाओ हटो इधर से। आजा संभल के बेटे। सलमान, अरे तू इसका माथा चूम रही है, ये कोई अच्छा काम करके नहीं आया। मुझे नहीं पता, मेरा बेटा है ये, बस मैं ये जानती हूँ और कुछ नहीं जानती। चल बेटा चल, हर वक्त बस बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, जैसे यही है सब कुछ इस घर में, हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं। अरे तगा बेटा है आपका, तगा। हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया, बस करो आप। और सुनो, आज के बाद ये इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है, सुना तुमने? ये मेरा हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा, बेटी समझा, कानून से मदद दिलवाई मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे का कैरियर तुम्हारी वजह से दांव पर लग जाएगा, तुम्हारी वजह से। अरे चली क्यों नहीं जाती तुम यहां से? मेरे ख्वाबों को इतना चूर करने के लिए तुम कहां से आ गई हो यहां? क्या हो गया आपको? चुप करो। जानती हूं मेरी वजह से ये सब हुआ, पशिमान भी हूं कि आप जैसे अच्छे लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठाना पड़ी। अरे परेशानी तो बहुत मामूली बात है, मेरे ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं, मेरे बेटे का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, साफ बात है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं, आपको ऐसा ही कहना चाहिए, इसलिए कि मैं कुछ भी हूं, मुझसे आपका मुंह बोला रिश्ता है, लेकिन जरा सोचिए, मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती और कत्ल होने वालों की जगह आपका दामाद होता, नवासा नवासी होते। मैं तब भी अपने बेटे को इस आग में कूदने न देता, सुना तुमने? सुना तुमने? मैं कूदने न देता। माफी दे दीजिए, नहीं दे सकते तो सजा दे दीजिए। अरे अफरीन, क्या हो गया आपको? तू बीच में मत बोल। क्यों मांग रही है माफी? मैं कहता हूं मत बोल। अरे बाबा बात तो कर रहे थे। जाओ उधर जा, चल चल जा बैठ। मैं आपसे वादा करती हूं, आइंदा जो भी होगा उसमें आपका बेटा, आपका घर कुछ भी दांव पे नहीं लगेगा। मैं अकेली सहूंगी, अकेली। शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है तुम्हारे लिए, इस एहसान को भूल नहीं सकूंगी। आओ बहन, बहुत हो गई।
सरकारा, मैं इंस्पेक्टर आजम। सरकारा, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? मुझे तुम्हारे बयान चाहिए इस वकूअ के बारे में। क्या कहना चाहोगे तुम? बोलो सरकारा, किसने मारा है तुम्हें? कानूनी कार्रवाई के लिए तुम्हारा बयान बहुत जरूरी है। बोलो सरकारा, बोलो। जो हुआ उसकी कोई रिपोर्ट नहीं चाहता, कोई कार्रवाई नहीं चाहता, पर हमने तो सलमान को गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया है? उसके क्या कसूर? वो अभी बच्चा है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ओके। अरे मुंशी साहब, आप बाहर क्यों बैठे हैं? आप मीटिंग में मसरूफ थे, डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, आपको मुबारक हो, आपका बेटा बिल्कुल क्लियर है, सरकार ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, तो क्या मैं अपने बेटे को बाहर भिजवा सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आपकी मर्जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटा आओ, शुक्राने के नवाफिल अदा हो गए, अब दिल मुतमईन हो गया। जबरदस्ती आकर बैठ गए हैं और अपने रवैये की माफी मांग रहे थे और कह रहे थे आपसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। सलाम अलैकुम मुंशी साहब। सलाम अलैकुम बेटा। फरमाइए। आप तशरीफ तो रखिए, आप भी बैठिए। मुंशी साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं। आप यकीन करें, जिस दिन से इस घर से गया हूं, गए नहीं थे, निकाले गए थे। वही निकाला गया। आप यकीन करें, उस दिन से लेके आज तक मुझे चैन नहीं आया। मैंने अपने मन से सारी मैल खुरच कर फेंक डाली है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मुंशी साहब, मुझे तो बस एक जोड़े में अपनी बहू चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी होने वाली बहू का भाई वो है जिसके खौफ से सारी दुनिया के बदमाश डरते हैं और उसे अपना दादा मानते हैं। क्या बकवास करते हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं मुंशी साहब, आजकल इज्जत उसी की है जिसका रिश्तेदार या तो बहुत बड़ा बदमाश हो या फिर बहुत बड़ा सियासतदान हो। खोल कर सुन लो, मेरी बात तो सुनिए मुंशी। खामोश। मेरा बेटा न बदमाश है न इसने किसी बदमाश को मारा है। अरे अखबार भरे पड़े हैं मुंशी साहब। बकवास करते हैं अखबार वाले, बकवास करते हैं। यकीन नहीं आता तो जाकर सरकारा से पूछ लो, उसने जो थाने में बयान दिया है वो जाकर पढ़ो। जाओ जाकर पढ़ो वो बयान, निकलो यहां से, जाओ। वो तो मेरे बेटे को जानता तक नहीं है, इसने नहीं मारा है उसको। मेरा बेटा बेदाग है, ये एक तालिबे इल्म है, ये मेरा बेटा है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है। जा रहा है वो इस शहर से दूर, बहुत दूर, जहां उसे कोई जानता भी नहीं होगा। वहां जाकर वो पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ेगा, तालीम हासिल करेगा। निकलो यहां से, निकलो निकलो, जाओ। आ जाते हैं मक्का कहीं के, बर्बाद कर दिया है मुनाफिकों ने इस माशरे को। बेगम, सलमान का सामान बांधो, मैं अभी टिकट लेने जा रहा हूं, ये कराची चला जाएगा, चला जाएगा।
अरे बाबा अरे बाबा बाबा अम्मा से तो मिल लेने दे। ओ अच्छा मिल लो मिल लो। अरे माँ उदास नहीं होना। अरे अम्मा मैं तो कोशिश करूंगा लेकिन तू तो अभी से उदास हो गई अम्मा। तू ले चलना अपने साथ। अरे चली जाना तू भी चली जाना। अभी तो इसे जाने दे सारा खानदान जाकर उसके घर में बैठेगा। चलो भाई चलो स्टेशन पहुंचना है गाड़ी तो छूट जाए देर हो रही है चलो भाईजान। अरे मुन्नी कहाँ रह गई थी तू। इमाम जामन बना रही थी भाई। ले मानते अपना ख्याल रखना भाई। तू भी अपना ख्याल रखना। तुम नहीं होगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अरे मम्मी रोना नहीं रोना नहीं। देख अगर तू रोई ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे भाई छोड़ भी दो अब इसको हमेशा के लिए नहीं जा रहा है। अल्लाह कैसी मनहूस बातें करती हैं आप। छोड़ देना अम्मा छोड़ दे बस। बाबा मैं अपने दोस्तों को मिला। अब कहा से कहीं ले जा नहीं सकते। सरकारा का हुक्म है ये उसे जिंदा चाहिए।
हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। नहीं, नहीं करेगा तू बात, नहीं करेगा बात। चल चल बैठ। ये मेरी कसम है, बाहर न निकलना। चुपचाप बैठे रहो, बैठे रहो चुपचाप। उन्हें हमेशा मेरी खास का एहतराम किया है। आज आज मेरा हुक्म है, तू बाहर नहीं निकलेगा, तू बैठे रहो। बाबा बात तो चले रहे उनसे, कहां लेके जा रहे हैं मुझे? नहीं जाएगा, जा रहा हूं ना बाबा। अरे बाबा एक सेकंड रुक तो, पीछे। बाबा क्या हो गया बाबा? चलो ना बाबा, बात तो चले रहे उनसे मुझे। अब तू चल, मैं आता हूं। अरे बाबा एक, अरे बाबा क्या हो गया बाबा, क्या हो गया तुझे? बाबा बात तो कर रहे थे क्या? या मेरे चीते के पंजे से। कोई बात नहीं, कहां जाएगा? बाकी सब लोग तो है ना यहां, उसका बाप, उसकी मां, उसकी बहन है ना? कल जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, इधर आ, बैठो। कुछ नहीं कहना उन्हें, कुछ नहीं कहना। वही तो है जिनके लिए आना है उसे।
आप हो ना उस नए बदमाश की? कहाँ है वो? हम नहीं जानते। नहीं जानती? कहाँ है वो तुम्हारा बुढ़ा मुंशी? वो अभी कचहरी से नहीं लौटे। याद है तुम्हें यहां मैंने कितनी लाशें गिराई थी? तुम सबकी लाशें गिरेंगी यहां, सबकी। फिर तो वो आएगा भगौड़ा कुत्ता, मुंशी को भेजना मेरे पास, सरकार का ऑर्डर है। क्या हुआ? क्या 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 बात है भाई? अरे क्या हुआ है ये? क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है? सरकारा आया था, वो आपके बेटे का पूछ रहा था, उसने बुलाया आपको अपने डेरे पर। मुझे बुलाया है? मेरा सब कुछ कर ले
पहली बार सरकारा के डेरे पे आई हो तो सीधी दिल में बैठ गई हो। ए, माई को सोने की गड़वी दे दो, आरसी ये हमारी हुई। पर सरकारा जी, कुछ कहोगी तो इसको जलाने के लिए पेट्रोल की गड़वी काफी होगी। माई चल जा, उठ उठ यहां से। सलाम। मुंशी को बैठने के लिए कुर्सी दो। तू अंदर जा जा। ए दाढ़ी वाले, इसे अंदर ले जा जा। मुंशी, ये जख्म का निशान देख रहे हो? जी। इसकी कीमत मालूम है? हुक्म कीजिए सरकार। तुम्हारे बेटे की जिंदगी। मेरी जिंदगी ले लीजिए। नहीं, उसी की जिंदगी चाहिए, उसी की जिंदगी। बुलाओ से, उसी की जिंदगी चाहिए। मोहल्ले के चौक में चाहिए, सभी के सामने चाहिए। मुंशी, बुलाओ से। मुझे नहीं मालूम वो कहां है। झूठ बोलते हो। मुझे तुम्हारा बेटा 3 दिन के अंदर अंदर नजर आना चाहिए। अब जाकर चाहे गवर्नर को शिकायत करो या इलाका अनचार्ज को, सिर्फ 3 दिन। दरवाजा जल्दी से। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आप मिलने गए थे, क्या कहा सरकारा ने? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तुम जल्दी से सामान बांध लो। क्यों? हम आज रात ही ये मोहल्ला छोड़ के जाएंगे। हमने यहाँ नहीं रहना, हमने यहाँ रहना ही नहीं है। हमें बेखबर समझते हो तुम? जब तक तुम्हारा पिल्ला नहीं आएगा जा नहीं सकते तुम। ख्याल करो, बेटे के पास बेटी को खोना है। जाओ, घर जाओ, बेटे को बुलाओ या फिर अपनी मौत को जाओ।
कौन है? से आ गया हूं जहां जहां मेरा कोई जानने वाला नहीं, मुझसे अकेले नहीं जिया जाता, वहां पर नहीं जिया जाता। अकेले जीना होगा सलमान, यहां तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। यहां जिंदगी को खतरा है? वहां मौत नहीं आती क्या? मैं वहां भी मर सकता हूं, समंदर में डूबकर, किसी एक्सीडेंट में, बुखार में मुबतला होकर, हार्ट अटैक से। सुनो प्लीज, मुंशी साहब पहले ही मुझे कसूरवार समझते हैं। बिल्कुल ठीक समझते हैं, वो बिल्कुल ठीक समझते हैं, इसलिए कि आप मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी। बाप के बगैर ना तो मैं जी सकता हूं और ना ही आपको जीने के लिए तलाश छोड़ सकता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं आफरीन, आपसे प्यार करता हूं। आपके बगैर, आपके बगैर जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। मैं आपके लिए मर जाऊं या मैं आपके लिए किसी को मार दूं, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। सुन लो प्लीज, सुन लो, मुझे तुम इम्तिहान में न डालो, तुम वापस चले जाओ, इसी बारिश में, इसी रात में। आप मुझसे प्यार नहीं करती, ये कैसे समझ लिया तुमने? इसलिए कि अगर आप मुझसे प्यार करती तो मुझे अपने आप से दूर कभी ना करती। तुम तो मेरे दिल में बसते हो पागल, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को खतरों से निकालना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को नहीं खतरों में रहने दो आफरीन, जिन खतरों में तुम्हारी जिंदगी है। Thank you.
छिप जा, आंखों में आ जाए सांस बनकर, मेरे दिल में समा जा रात की। हाथ से निकल न जाए काली रात, हाथ से निकल न जाए काली रात। सुगैस सिस्टर, तू परेशान है ना? नहीं तो सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, वो भी आ जाएगा। सुनो, मैंने किसी के थ्रू आफरीन के रिश्ते की बात चलाई है, आज वो लोग आफरीन को देखने आ रहे हैं, तुम वहां पे मौजूद रहना। आपकी शराफत, आपकी इज्जत, आपकी बेटी सब बेमिसाल है भाई साहब। हमें बड़ी खुशी होगी कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। हम भी बेटी को जल्द से जल्द रुखसत करके इस फर्ज से सबकदोश होना चाहते। आप लोगों को तमीज नहीं है कि? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब क्या हो रहा है मुंशी? यहाँ या मेरी बेटी की बात चल रही है। कोई बात नहीं चलेगी, कोई बात नहीं चलेगी, कोई बात नहीं चलेगी। इस घर में उस वक्त तक कोई खुशी कदम नहीं रख सकती जब तक। जब तक क्या? बदमाशी है, नहीं चुप करती। चुप है भाई, ये बिल्कुल चुप है। इस घर में उस वक्त तक कोई खुशी कदम नहीं रख सकती, कोई खुशी कदम नहीं रख सकती जब तक सरकार का मुजरिम
तेरा पकौड़ा बेटा वापस नहीं आ जाता। आप कौन लोग हैं भाई साहब? तू क्या बताएगा? हम बताएंगे। हम मौत है इसके बेटे की, इस घर की, और अगर तुम लोगों ने इनके साथ रिश्ता जोड़ा तो तुम्हारी मौत भी बन जाएगी। सुना तुमने? सॉरी बहन जी, सॉरी, हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसके बदले में हमें मौत मिले। इसी तरह जो आएगा वापस जाएगा। जब तक तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ जाता आप चाय पियेंगी? जी नहीं, शुक्रिया। अरे आप यहाँ कैसे? प्लीज बैठिए, बैठिए। जी मैं आप ही से मिलने आई हूँ। खैरियत है ना? जी नहीं, सरकारा ने बहुत परेशान कर रखा है मुंशी साहब को। वो शरीफ आदमी है इसलिए कुछ बोलते नहीं, लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि सरकार और उसके आदमियों ने उनके गिर्द जमीन का गहरा बहुत तंग कर रखा है। वो खौफजदा है, कानूनी आदमी होकर भी कानून तक नहीं आते। आप मुझे बताइए, सरकारा को मैं देख लूंगा। ओए, दरवाजा खोलो। इधर तो ताला है साहब, आप दूसरे गेट से हैं। वो इंस्पेक्टर आया है, ताला खोलें। खोलो। तुम इधर ही ठहरो। सलाम साहब। आओ आओ इंस्पेक्टर साहेब, इधर ही बैठेंगे या अंदर चले? इधर ही ठीक है। ए, खाने पीने का बंदोबस्त करो इंस्पेक्टर साहब के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बंद दरवाजों के अंदर? नहीं, खुले आसमान के नीचे। सबके सामने। अच्छा, बोलो। तुमने मुंशी साहब की बेटी की शादी रुकवा दी है। आप क्या चाहते हैं? मैं जो चाहूंगा वो तो हो ही जाएगा। नहीं, नहीं होगा। अगर आप भी चाहेंगे तो भी नहीं होगी ये शादी। तब वक्त है कि मुंशी के बेटे का जनाजा उठ जाए। शादी तो हो रही है सरकारा। कौन है वो बदबख्त जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? वो मैं हूं। एक बार फिर याद दिला दूं, मैं कर रहा हूं उससे शादी। गलत फैसला कर लिया तूने इंस्पेक्टर। फैसला तो हो गया सरकारा, गलत या सही इसका फैसला वक्त करेगा। तुम शादी रुकवाना जरूर। मुबारक हो।
खैर मुबारक हो बेटी। मुबारक हो बहन, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो सिस्टर, मुबारक हो। मर्द रात उधर भूखे बैठे हुए, ले ले और ले। अच्छा ले, उधर से खाने में तो खाते रहते हैं, घर से भी खाए। माफी चाहता हूं, बचपन में मां बाप फौत हो गए थे, गोद में बैठने ख्वाहिश आज पूरी हुई है। लीजिए ना भाईजान, अब टोर होंगे हमारे इलाके का थानेदार हमारा बहनोई, अब ना पड़ेगा वीडियो सेंटर पे छापा और ना करेगा कोई मुफ्त काल, अब टोर होंगे मोहल्ले में। हाँ सल्लू, खुशी की खबर है तेरे लिए। हाँ लेकिन सुनाएंगे मुंशी साहब ही। अरे बाबा हैं तो बात कराओ ना उनसे। ये बात करो। अब बेटे, अब बेटे कैसे हो तुम? हेलो बाबा, सलाम अलैकुम। ठीक है ना, खुश है ना? हाँ खबर है, बहुत अच्छी खबर है। वो शादी तय कर दी है आफरीन की। आफरीन की शादी किससे बाबा? अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ अरे उसने तो सरकारा के अड्डे पर जाकर खुद शादी का ऐलान कर दिया था। कौन? अरे भाई वही जिसने तुम्हारे कैरियर को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की थी। अरे वो आजम? अच्छा अच्छा हाँ हाँ, शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। ये तो बहुत खुशी की खबर है बाबा, मैं कल ही आ जाता हूं। नहीं हरगिज नहीं, तू नहीं आएगा, तेरा यहां ना ठीक नहीं है। ठीक नहीं भी है तो फिर क्या है बाबा, मेरी बहन की शादी है, तो मैं ना हुआ तो वो विदा कैसे होगी? अरे हो जाएगी विदा, हो जाएगी। तेरे लिए थोड़ा बहुत रो मर लेगी, लेकिन लेकिन तेरी जिंदगी, तेरा कैरियर तो महफूज रहेगा। मुझे ऐसी जिंदगी और ऐसा करियर नहीं चाहिए बाबा। बकवास करता है, बकवास करता है, जबान चलाता है। हमने एक मैंने कह दिया तू नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं खोल खोल। मैं बोल रहा हूं तेरा असल बाप सरकारा कैसा है हरामी? सरकारा सुन, तेरी बहन की शादी है, उस वक्त तक डोली नहीं उठेगी जब तक तेरा जनादन उठ जाए। आएगा या डर जाएगा? नहीं नहीं आना, नहीं आना, तुम्हें मेरी कसम है, ये मेरा हुक्म है तुझे। क्या बोलता है तू? मारो इसे, मारो, मारो, नहीं आना, मार दे इसे, ना मेरे बेटे, नहीं आना, मार, छोड़ दे सरकारा, तू रह मेरे बाप से, बाप मांगता था तू, आज मुर्दे की चीखा का तुम, सरकारा तू रह मेरे बाप से। जरा गौर से सुन, हमने मत किया, तू नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये मेरा, तू रह मेरे बाप से, वरना उसके एक एक आंसू और एक एक खून के कतरे का हिसाब तेरी मौत पर खत्म होगा। बाप बचा, बचा इस बुड्ढे कुत्ते को, बचा, अपनी बहन की तो नहीं उठाएगा। अरे अपनी माँ का तू दिया ना तो बाप बता। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सरकार, आ रहा हूँ। आ रहा है पिल्ला, आ रहा है। मुंशी साहब हट, बेटे सिल्लू, सिल्लू यह सब ठीक है, हम खुश हैं, शादी होकर रहेगी, सुने ना सिल्लू, सिल्लू
जाइए, चलो तुम, चलो। आप मत जाइए, खुदा के लिए मत जाइए, आप मत जाइए, रुक जाइए ना, आफरीन, रुक जाने दे, मत जाइए खुदा के लिए आप दोनों, मत जाइए, रुक जाइए ना। सरकार आ गया मुंशी, तेरा बेटा नहीं आया। नहीं आएगा वो, वो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो हरामी है, औलाद नहीं है तेरी। हरामी तू है, तू हरामी है, तू शैतान है, हराम सादों की औलाद है। आज तूने कानून पर भी गोली चलाकर अपने अंजाम को पुकारा है। मेरा अंजाम कुछ भी हो, मेरे अंदर आग लगा दी है तेरे बेटे ने। ये जख्म का निशान मुझे सोने नहीं देता। इस मोहल्ले की जिस जिस आंख ने सरकारा को लहू में डूबे देखा है, जब तक तेरा बेटा इस मोहल्ले में सबके सामने लहू में नहीं डूबेगा। हाँ, सरकारा कब्र में भी चैन से नहीं सो सकेगा, नहीं सो सकेगा। अरे कब्र तो तुझे ही नसीब नहीं होगी। मेरी कब्र की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। तेरी लाश का पहला तोहफा मिलेगा तेरे बेटे को, अगर वो जिंदा पहुंच गया तो, वरना मेरे आदमी उसकी लाश लेकर जहां पहुंचेंगे। मेरे जीते जी तो इनको नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। तेरे मरने के बाद तो मार सकता हूं कुतिया, पहले तू मर। आफरीन बेटा। बेटी कहा था ना आपने, तो अपने जीते जी आपको गोली कैसे लगने देती, कैसे लगने देती। सरकार नहीं, सरकार नहीं, नहीं। मुझे भी मार डाल, नहीं जीना इस दुनिया में जहां तुझ जैसे जालिम रहते हो, जहां तेरा हाथ रोकने वाला कोई ना हो। मार डाल मुझे, मार डाल, मार डाल, मार डाल। बोल बोल, जो तेरे जी में आए बोल, बोल मां, बोल। मुझे भी मार डाल। तुझे नहीं मारना, तेरे बहन सुनने हैं तेरे बेटे की लाश पर। अगर वो जिंदा आ गया, तुझे नंगे सर दिखाना है उसे। और इसे देख, इस रस्ते से बांधकर उसकी लाश लटकाना है इस चौक में। इस रस्ते से लटकी हुई उसकी लाश, और ये तेरा नंगा सर इबरत का निशान होगा, निशान। आ गया, जिंदा आ गया, मुझे खुशी हुई आ गया। सलमान, सलमान, आगे बढ़ बेटा, आज मैं तुझे हुक्म देती हूँ, इस कुत्ते कमीने को मार दो, मार डाली थे, इसने तेरे बाप को भी मार दिया है। अगर तू मेरा बेटा है तो तुझे मौत के दुपट्टे की कसम, मार डाल, मार डाल।
पलक झपकते में 3 साल गुजर गए, लेकिन मैंने अपना वक्त जेल में जाया नहीं किया। बाबा का ख्वाब पूरा किया है। आज वकालत की सनद मेरी जेब में है और काला कोट मेरे हाथ में है। इधर 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 इधर